अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आप सबको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आज हमारा 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो चलिए आज हम इसी खुशी में पकोड़े की रेसिपी लेकर आए हैं जो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी फटाफट से, एकदम बाज़ार जैसे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते। अभी हम प्याज के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसे ये प्याज ले लिए थे, 4 प्याज लिए मीडियम साइज़ के। देखिए इस तरीके से हमने इसे स्लाइस कर लिए हैं। अभी हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें मिर्ची पाउडर डाल देंगे और हम यहाँ पे 1/2 कप बेसन और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है क्योंकि अगर हम पानी मिलाएंगे हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। और इसमें बिल्कुल एक कतरा भी आपको पानी नहीं मिलाना है। बस इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बेसन, नमक और इसमें मिर्ची पाउडर ही मिला के आप एक बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे पकोड़ा बन लेगा, वो भी एकदम कुरकुरा पकोड़ा बनेगा। इसमें हमें चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर ऐसा कुछ भी नहीं मिलाने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये हो गया। अब इसमें हमें हरा धनिया हमने चॉप्ड कर लिए, ये डालना। फाइव मिनट्स ऐसे रखते हैं फिर हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। देखिए अब हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। ये हमने एक आलू लिए है, इसे अच्छे से हम इस तरीके से पहले पील कर लेंगे। हमने पील कर लिए, अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। देखिए ये हमने अच्छे से वॉश कर लिए। अब ये हमने कटर ले लिए हैं स्लाइस करने के लिए। वैसे हमें देखिए कितना अच्छा पतला हमारा हो जाता है ना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इस तरीके से हमें सारे आलू को स्लाइस कर लेना। देखिए ऐसे, देखिए ये सारे हमारे आलू हमने स्लाइस कर लिए। अभी इसे भी हम फ्राई करेंगे। अभी इसका हम मैटर बनाएंगे, हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनाना है वो। देखिए आलू के पकोड़े का भी हम मैटर बना रहे हैं। ये हमने 1/2 कप मैदा बेसन लिए हैं और इसमें हम 1/4 मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1/4 हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें आलू का मटर बना लेना है। ठीक है अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम प्याज के पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करते हैं। तो हल्का सा डाल के हमारा देखिए कितना हमारा अच्छे से ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़ी डालना स्टार्ट करते
देखिए हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं, है ना पूरे बाजार जैसे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। चलिए अब हम आलू के पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने मज़े के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं, कितने क्रिस्पी पूरे बाजार जैसे। अभी इसी तरीके से हम अपने आलू के सारे पकोड़े तल लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।